क्लैन वॉर लीग के आखिरी वॉर के लिए हम लोग तैयार हैं। आज के वॉर में कुछ तगड़ा हिट कर देते हैं तो भाई साहब रैंक पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। हालांकि ये वीडियो बनानी थी सुमित को, पर सुमित चला गया कहीं और कुछ और करने के लिए, तो एक काम मुझे करना पड़ रहा है। आइए चलते सीधा क्लैन वॉर लीग की तरफ। पहला अटैक लेकर यहाँ पे हर्षु तुषार आ चुके हैं। उतरते के साथ ही उड़ा दी है क्वीन की एबिलिटी, ड्रैगन्स आ गए हैं। और इस वॉर में दो चीजें आपके लिए मिसिंग रहेंगी, वो आपको ढूंढ के निकालनी है, वो क्या है? ठीक है, एक मेरा अटैक और एक सुमित का अटैक। अब वो क्यों मिसिंग है वो आपको वीडियो के आखिर तक सोचना है, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल यहां पे हर्षु तुषार भाई साहब ड्रैगन्स लेके ड्रैगन्स को मरवाने में लगे हुए, बेइज्जती करवाने में लगे हुए, विकेड एंड वाइल्ड। क्या ये अटैक फेल हो जाएगा? देख के तो लग रहा है भाई पहले ही अटैक फेल के साथ शुरुआत की जाएगी यहां पे हर्षु तुषार भाई साहब के द्वारा। बेइज्जती कराने में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। रॉयल चैंपियन आ रही है, बलून्स पे अटकी हुई है, सिंगल टारगेट इन्फर्नो को टेक डाउन करने की कोशिश यहां पे जारी है। आरसी के पास एबिलिटी है जो कि इस बेस के ऊपर भारी है, और लग रहा है कि हर्षु तुषार भाई साहब की इस बेस को 3 स्टार मारने की तैयारी एकदम पूरी सारी की सारी है। अगले अटैक पे चलते हैं। सात्विक भाई साहब आए हैं एक और ड्रैगन अटैक लेके। आज रूट राइडर वाले बंदे नजर नहीं आ रहे हैं, ड्रैगन वाले बंदे आ गए हैं। अटैक पे क्लिक करके भाई ये कुछ करने के लिए चला गया, यार बाद में कर लियो हिला डोला जो भी रहा। बेस को हिला दिया फिलहाल इसने यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी लगा के, दोनों एयर डिफेंस उड़ा दिए भाई साहब जायंट एरो के साथ। रास्ता बना रहा है शायद क्वीन के लिए, स्केलेटन लगा दिया है मोनोलिथ के लिए, पर फिर भी मोनोलिथ ने ड्रैगन को ही पकड़ा, स्केलेटन्स पे फोकस ही नहीं है मोनोलिथ का। रेज लगा दिए, मोनोलिथ को उड़ा के उजाड़ दिया जाएगा, यहीं पे टोर्नेडो भी हो सकता है। फोर्डन एबिलिटी लगा दिए, रेज लगा दिए, क्लोन विलोन लेकर आया नहीं है। टीएच इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो मिल गया। ओवर ग्रोथ कर दिया गया है बेस को, और अब ड्रैगन्स के हवाले ही अटैक साथियों। एक रेज 3 फ्रीज अभी भी बची हैं साथियों, किंग के पास फिनिक्स बचा है साथियों। हेड हंटर दौड़ चुका है साथियों, रेज लग गई है साथियों, 2 फ्रीज अभी भी हैं। लग रहा है देख करके के काम हो जाएगा क्योंकि आरसी के पास एबिलिटी भी है। फ्रीज पे फ्रीज लगाओ, धनाधन धनाधन धनाधन, सुई सुई एबिलिटी दबा दी है, सुई सुई चल रहा है, घुसंडी घुसंड मार रही है आरसी। किंग की पसलियों में पसलियां तोड़ के रख दी है किंग की। आप एक और फ्रीज लगा दिया, ग्राउंड स्केलेटन्स आ गए, पर वो क्या ग्राउंड कुछ उखाड़ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं उखाड़ सकती क्योंकि यहाँ पे उधर भी कुछ ग्राउंड स्केलेटन हमारी लगी पड़ी है। और ये भी एक और अटैक ट्रिपल, ब्रिजेश बी। फाइनली रूट राइडर के बंदे आ गए मार्केट के अंदर गाइस। एक गोलेमन भी लेकर आया है, एक ओवर ग्रोथ लाया है, जंप लाया है, कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। वॉल ब्रेकर मरवा दिया है, उधर से पैका आ गए हैं सीज बैरक में से निकल के, जंप डाल दी गई है। उधर से ही आर्मी आ रही है, क्वीन को आर्मी के साथ यहां पे किंग के साथ रहना था, पर क्वीन अलग कंपार्टमेंट में चली गई है। किंग की एबिलिटी लगा दी, वल्करी दौड़ पड़ी है, वल्करी भी गलत कंपार्टमेंट में जाएंगी। यहां पे वल्करी इसको फॉलो करना था पर फॉलो ना करके अनफॉलो कर दिया यहां पे वल्करीज ने। फोर्डन एबिलिटी लगा दिए, ओवरग्रोथ कर दिया गया टीएच को,
ड्रैगन पेलने में लगा पड़ेगा इस, यहाँ पे एक फिनिक्स मारने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन को, पर क्या वो मार पाएगा? ड्रैगन पीछे पीछे दौड़ रहा है आर्मी के, क्वीन बाहर की तरफ चल रही है, ड्रैगन मर गया ड्रैगन। ड्रैगन मर गया तो गाइस अब सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है, अभी देख के लग रहा है कि बात बन जाएगी। फ्रीज लगा दिए, एक फ्रीज अभी भी बची है, बेस में कुछ गाइस बचा ही नहीं है, और एक और ट्रिपल हो जाएगा। आज आपको गैस करना है कि हम कितने ट्रिपल मारेंगे। इंडियन अजमल भाई साहब डबल ओवर ग्रोथ के साथ सेंट्रल टाउन हॉल के बेस पे एंट्री लेने की कोशिश कर चुके हैं, दो पैक आ चुके हैं, और इस तरह के जो बेसिस होते हैं ना वो अटैक फेल करवा देते हैं अक्सर, मैंने देखा है। सेंटर टाउन हॉल के बेसिस थोड़ा खतरनाक होते हैं रूट राइडर के लिए, और थोड़ा सा नर्फ भी हो चुके हैं रूट राइडर पहले से, मरते भी जल्दी हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से यहाँ पे अपने रूट राइडर्स को बचा पाएंगे या मरवा देंगे या वन स्टार मार देंगे इंडियन अजमल भाई साहब। इंटरेस्टिंग मैटर ऑफ फैक्ट होगा ये, किंग टाउन हॉल पे है पर डैमेज बहुत है इस बेस पे, आर्मी को चारों तरफ घुमाया जा रहा है, टीएच के टीएच में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बस हेडंटर के साथ किंग को मारने की कोशिश की गई और वो कोशिश फेल हो गई। अब सारा डिफेंस ओवरग्रोथ के अंदर है, तो आर्मी को अब ओवरग्रोथ खत्म होने का वेट करना होगा, उसके बाद चीरम फाड़ प्रतियोगिता चालू होगी। टोर्नेडो एक्टिवेट हो चुका है, ये अच्छी बात है, और टीएच भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रीज लगाओ, किंग एबिलिटी लगाओ, सब कुछ लगाओ, इस बेस को उजाड़ के रख दो इंडियन अजमल भैया, तभी तो बनेगा इस बेस का गजमल, बामण गज का दामन पेड़ मटक चल दे भाई। इंडियन अजमल अटैक फेल कर देगा क्या? 99% हो चुका है, पॉइजन टावर के अंदर नहीं है ट्रिपल। जेनियल कैटमैन, अभी तक कोई अटैक फेल नहीं है इस बंदे का पूरी क्लैन वॉर लीग के अंदर, क्या ये अपने 21 स्टार की स्ट्रीक को बरकरार रख पाएगा या आज वन स्टार या टू स्टार कर देगा, जानने के लिए देखते हैं पापा मोगेम्बो पगलेट। कल तक क्वीन के साथ चार्ज चल रहा है, यहां पे टेक डाउन किया जाएगा एक्सबो को, रिकॉल किया जाएगा क्वीन को, पॉइजन टावर कर दिया गया एक्टिवेट, क्वीन को बुला लिया गया दूसरे कोने में, कौन से कोने में, बीच वाले कोने में, पैक आ चुके हैं, किंग आ चुका है, आर्मी यहां पे छेद करके अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। क्वीन ने किंग को पकड़ लिया, हेड एंटर लगा दिया, वल्करी आके तुरंत मार देंगी, रेज लगा दिया, दो दो ओवर ग्रोथ लेकर आता है ये बंदा, मात्र दो फ्रीज लेकर आता है, ज्यादा फ्रीज की इसको जरूरत ही नहीं है, ये फास्ट नहीं करना चाहता है, ये हमेशा सिर्फ तीन स्टार करना चाहता है, इसलिए हमेशा क्वीन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंसेस को पहले टेक डाउन करके फनल बना के फिर आर्मी को उतारता है बंदा, ताकि बेस भी निकल जाए, पाथ भी बन जाए, वैल्यू भी आ जाए और गदी भी बैठ जाए। फिलहाल यहाँ पे गदी बिठाने की प्रतियोगिता में वल्करी हेल्प कर रही है क्वीन की, गलत सलत दीवार तोड़ने में वल्करीज का ध्यान है, फाइनली अब सही काम कर रही है वल्करी, टेक डाउन कर रही है इसको। और भाई इस बंदे की जो 21 स्टार की स्ट्रीक है वो मुझे लगता है बरकरार रहेगी इस अटैक के बाद भी, तो ये कुछ उन बंदों में शामिल हो गया है इस क्लैन वॉर लीग के अंदर जिन्होंने 21 स्टार मारे हैं। आप लोग को भी बताना किस किस बंदे ने 21 स्टार मारे होंगे इस क्लैन वॉर लीग के अंदर, आखिरी में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा ही, पर फिलहाल अटैक चल रहे हैं तो हम चुपचाप अटैक देख रहे हैं और स्कोर गैस करना है कि कितना स्कोर मार पाएंगे हम इस वॉर के अंदर। एर मैदानी पगलेट रोक, सेम उसी तरह का अटैक करते हैं ये भी, क्वीन एबिलिटी लगा के हीलर्स निकाल के क्वीन को रिकॉल करके एक कंपार्टमेंट को डैमेज दे के सीसी को बाहर बुला के
गलत सलत हरकतें करते हैं बेस के साथ। सीसी यहाँ पे क्वीन को डैमेज देगा, मुझे लग रहा है सीसी को मारने का काम यहीं पे करेंगे, ये बाद का वेट नहीं करेंगे। ग्राउंड एक्सपो को निकाला जा रहा है, निकाल लिया गया है। अब इन आइस गोलम को और ड्रैगन को मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वीन को, विजन का भी इफेक्ट खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ से फनल बनाना ऑलरेडी चालू कर दिया गया है, आर्मी का आना बाकी है। रिकॉल किया गया क्वीन को, उतार दिया गया तुरंत ही, आर्मी भी पहले ही उतार देनी चाहिए थी, इतना भी वेट क्यों करना भाई। क्वीन ने बेहतरीन रास्ता बनाकर यहाँ पे दे दिया है। पैका अपनी जान गंवा चुके हैं, एक पैका जान गंवा चुकी है रॉयल चैंपियन के हाथों। कोई स्पेल अभी तक लगाई नहीं है, ऑर्डन एबिलिटी लगा दी है, विजन टावर एक्टिवेट हो चुका है। अच्छी बात है कि वो आर्मी के ऊपर नहीं गया है, वल्करी ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ये भी एक अच्छी बात है। क्वीन का मरने के चांसेस यहाँ पे बहुत बुलंद हैं, क्योंकि रिकोशेट कैनन का डैमेज अब क्वीन को पड़ रहा है। रॉयल चैंपियन ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, किंग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गया क्वीन की। सिंगल टारगेट वाले कंपार्टमेंट में किंग एंट्री लेगा बहुत जल्द, बिल्कुल एंट्री ले ली गई है। एक फ्रीज लगा दी है भाई, 1-2-4, 4-2-1 कर दिया गया इस बेस के साथ। मुझे लग रहा है ऐसी कोई खास चीज यहाँ पे बेस के अंदर दिख नहीं रही है जो अब इस आर्मी को रोकने का काम कर सके। बिल्कुल यकीनन 3 स्टार यहाँ पे जड़ दिया जाएगा एयर मैदानी रोक के द्वारा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप रूट राइडर की आर्मी कर रहे हो ना, तो ये आर्मी सबसे बेस्ट है रिकॉल वाली। इस आर्मी के साथ आपके बेस का, अपोनेंट के बेस का बचने का चांसेस बहुत कम है। ये उतनी फास्ट नहीं है, पर ये 3 स्टार की लगभग लगभग गारंटी देती है। रिकॉल डबल ओवरग्रोथ रूट राइडर अटैक। आज के फाइनल अटैक के लिए मिस्टर आदिल आ चुके हैं सेम आर्मी लेके ये भी। और इस अटैक के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं ये बता रहा हूं क्यों ये आर्मी इतनी खास है। क्वीन यहां पे कितनी आसानी से रॉयल चैंपियन को टेकडाउन कर लेगी, क्योंकि फ्रोजन एरो लगा के रखा हुआ है क्वीन के ऊपर। शायद रेस टावर को भी एक्टिवेट कर सकती है क्वीन, और मुझे लग रहा है ये वही करना चाह रहा बंदा, पर अब नहीं कर पाएगी, रिकॉल कर लेना चाहिए। गलत डायरेक्शन में चली गई थी क्वीन, हमेशा ही कुछ इस तरीके से एंट्री लेता है बंदा, और इस बार तो एक रेस टावर एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। यही वो आर्मी है सबसे ज्यादा समझने वाली। इस आर्मी के अंदर वाक्य में ही जान है, और आप जानदार आर्मी चूज करो, क्योंकि रूट राइडर के बहुत तरीके के अटैक है भाई, एक तरीके का सिर्फ अटैक नहीं है कोई। वोडन एबिलिटी लगा दी है, आरसी वोडन एबिलिटी के अंदर आई नहीं है, पर आरसी के ऊपर डैमेज नहीं है कोई, ये अच्छी बात है। दोनों रेस्ट आवर एक्टिवेट हो चुके हैं, ओवर ग्रोथ का इस्तेमाल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। अब फाइनली जैसे ही नाम लिया तभी की तभी देखने को मिल गया है, क्वीन यहाँ पे पीछे रह गई आर्मी से काफी ज्यादा। फाइनली आगे बढ़ रही है, किंग को टेक डाउन किया जाएगा। वापिस से एक और ओवर ग्रोथ लगाया गया है, क्या ये 1 स्टार की तरफ जा सकता है अटैक? क्वीन के पास एबिलिटी नहीं है, क्वीन दीवार तोड़ने में लगी है, वहां पे क्वीन का निधन होना कंफर्म है, उस कंपार्टमेंट में क्वीन सरवाइव कर नहीं पाएगी। उट्राइडर यहाँ पे बढ़िया रास्ता बना के दे रहे हैं, रेस टावर को एक्टिवेट होने से पहले ही क्वीन ने फ्रीज कर दिया, एक स्केलेटन लगा दिया, रेस टावर को भी टेकडाउन करके दे देगी क्वीन। एक फ्रीज एक रेज अभी भी बची हुई है, मोनोलिथ ने क्वीन को पकड़ लिया है, निकाल नहीं पाएगी मोनोलिथ को क्वीन, शायद उससे पहले मर जाएगी क्या? अरे भाई क्या क्वीन है यार, क्या क्वीन है इसकी भाई, ऐसे क्वीन तो कभी कभी पैदा होती है भाई 2-3 साल में, 25 सेकंड का टाइम बचा है। और ये अटैक किंग की एबिलिटी और रेज के साथ स्वैग करके ट्रिपल मार दिया जाएगा मिस्टर आदिल के द्वारा
आइए चलते हैं रिजल्ट की तरफ। क्लैन वॉर लीग का जो रिजल्ट रहा वो देख लेते हैं गाइस। अब हमने मारे 43 स्टार्स। तो सबसे पहले जिन जिनों लोगों ने प्रेडिक्शन करी थी कि कितने मार पाएंगे उनमें से देख लेना किन्होंने ठीक करी। दो अटैक फेल हुए, उनमें से एक अटैक थारे भाई मोगेंदर पापा मोगेम्बो का था और एक अटैक हर्षू डार्थ का था। और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे किस किस बंदे ने 21 स्टार मारे होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले TWOB सुमित 21 स्टार के साथ, फिर जैनियल कैटमैन, हर्षू, तुषार, मैंने भी एक आईडी से 21 स्टार मारे। दो आईडीज मेरी खेल रही थी, इसी वॉर में मेरा एक अटैक फेल हो गया और दूसरी आईडी 20 स्टार पे रह गई, वरना दोनों आईडी से मेरे 21 स्टार होने थे और दोनों ही अटैक रिकॉर्ड नहीं हो पाए, मेरा भी और सुमित का भी। क्योंकि सुमित को लग रहा था वो रिकॉर्ड करेगा, मुझे लग रहा था कि वही रिकॉर्ड करेगा, उसको लग रहा था मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो इस चक्कर में हमारे वो अटैक रिकॉर्ड नहीं हो पाए। बाद में फिर आखिरी के कुछ बचे हुए अटैक्स हमने क्या कहते हैं रिकॉर्ड करे। तो इस तरीके का हमारा जो है क्लैन वॉर लीग रहा। 20 स्टार मारने वाले बंदे देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बंदे 20 स्टार मारने वाले हैं, चार बंदे 21 स्टार मारने वाले हैं, तो अच्छा रहा। और सबसे कम स्टार जिसने मारे वो मारे 18। और यहाँ पे जो हमारा वॉर का स्कोर रहा 355 रहा, क्योंकि एक वॉर हम हार गए थे बांग्लादेश से जिसमें हमारे दो अटैक टाइम फेल हो गए थे गाइस, वरना बांग्लादेश का जीतने का कोई स्कोप नहीं था। 45 स्टार मारते हम इनको, 98% पे 2% से ये फेल हो गया, ठीक है टाइम फेल तो है दोनों के दोनों, और ये भी सेम 98% पे टाइम फेल हो गया था। सिर्फ हमको एक अटैक ट्रिपल मारना था, काम बन जाता, क्योंकि जो उनका अटैक था वो 95% हुआ था, परसेंटेज हमारी ज्यादा थी, पर दिन हमारा लक्की नहीं था। तो इस क्लैन वॉर लीग में रैंक 2 पर रह गए हम, पर कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लैन वॉर लीग में इन कमियों को सुधारा जाएगा, उखाड़ा जाएगा और हम मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।